जाएगा, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इनकी तैयारियां क्या हैं और किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुकी हैं। सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां आपके द्वारा की गई हैं और जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भैया, जनप्रतिनिधियों के रूप में पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं पहली बार मैदान में उतरी हूँ और जनसंपर्क के दौरान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनता भरोसा जता रही है, बहुत ज़्यादा जता रही है, और जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है कि कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, किस तरह की तैयारियाँ की हैं आपने, कोई खास तैयारी? भैया, हम डोर टू डोर मतलब पब्लिक के पास हर घर में जाकर उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हम उनसे जान रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में परेशानियाँ कहाँ पर हैं। सफाई की परेशानियाँ हैं, कूड़े की है, लाइट की है, जनता बहुत परेशान है, जिसकी वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम उन परेशानियों को दूर करें। क्षेत्र में जाके किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने देखने मिलती हैं लोगों के? जनता की परेशानियाँ, जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त। भैया, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को ये है कि एक बार जीतने के बाद वोट मांगने के बाद दोबारा कोई आता नहीं पूरे 5 साल के बाद। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। तो मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि जो भी समस्याएं हैं हम क्षेत्र वाइज जो है उसको दूर करें और उनकी समस्याओं को। अच्छा, जनता को इस बात का भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप भी उन्हीं प्रत्याशियों की तरह नहीं होंगे? भैया, ये तो मेरा काम बताएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाती इस बारे में, लेकिन ये मेरा काम जरूर बताएगा और आप दोबारा मेरे पास आएंगे, मेरा काम बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर आपने भरोसा जताया है, टिकट लिया, टिकट हासिल किया और उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर बात करें क्षेत्र में तो क्या लगता है कि GST जैसे अहम फैसले लिए गए और नोटबंदी का फैसला लिया, क्या उसमें कितना फर्क पड़ा है? भैया, नोटबंदी है, GST है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। नोटबंदी जिस समय हुई, GST जिस समय लागू हुआ, उस समय कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि हम परेशान हैं, लेकिन उसके दूरंदेशी परिणाम बहुत अच्छे हुए। GST से उस समय लोगों को लगा कुछ समय तक कि ये गलत फैसला था, लेकिन अब व्यापारी वर्ग को महसूस हो रहा है कि हमारा कोई भी बिल नहीं रुकता है, या भाई लंबे समय के लिए हम पूरे देश में कहीं पर भी अपना माल आसानी से भेज सकते हैं। परिणाम आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन अच्छा आता है। क्या अपनी फाइट किससे मानेंगे आप, क्या मानेंगे? नहीं भैया, मेरा कोई प्रतिनिधि, मैं अपना प्रतिनिधि खुद हूँ, मुझे काम करना है और करके दिखाना है। क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे, किस तरह से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं यही अपील करना चाहूंगी कि अच्छे लोगों को सामने लाए, उसके काम को सराहे और आगे बढ़ाए। पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया है तो कमल के फूल पे निशान लगाए और एटलीस्ट अच्छे लोगों को, विकास को आगे बढ़ाए। जो हमारा नारा है कि विकास होना चाहिए, तो विकास हो। तो ये थी हमारे साथ में पूर्णा बंसल जी, जिन्होंने हमारे सवालों के कुछ बेबाकी से जवाब दिए हैं, लेकिन देखना यह हुआ कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मीडिया।